आली बहुत मुबारक हो, आपने मैच फिनिश किया और आपकी काफ़ी अच्छी इनिंग्स थी अंडर प्रेशर, तो कैसा डिस्क्राइब करती हैं अपनी इनिंग्स को और क्या क्या आप सोच रही थी अंदर, क्या डिस्कशन हो रही थी जब आप बिस्माबाजी के साथ गई थी? बस यही था कि शुरू में गई थी तो कोशिश यही थी कि अर्ली ऑन जो है वो पार्टनरशिप लगाऊं बिस्मा के साथ और स्ट्राइक रोटेट करती रहूं। कोशिश यही थी कि बिस्मा के साथ स्ट्राइक रोटेट कर रही थी और एक दो चौके भी आ रहे थे साथ में, बिस्मा ने बड़े अच्छे उस मोमेंट पे जो रन्स निकाले थे मेरे साथ, तो वो पार्टनरशिप बड़ी अच्छी बिस्मा के साथ लगी। तो हमारी कोशिश यही थी कि हम 8-9 का रन रेट रिक्वायर्ड था तो उसको मेनटेन करें, तो वो अलहमदिल्ला हो रहा था, तो उसमें फिर उस टाइम पर कोई खास प्रेशर नहीं आया तो उसको कंटिन्यू किया उस टाइम। अच्छा मनीवा, मेरा आपसे सवाल है कि जिस टाइम आप बैटिंग पर आई थी, मैं अंदर थी और उस टाइम पे बिस्मा आउट हो गई थी, तो क्या जब आप अंदर आई थी तो क्या सोच कर आई थी, कोई प्रेशर था अंदर आने का? बस मेरा यही माइंड में था कि जो भी रिक्वायर्ड रन रेट है पहले उसको मेंटेन करने जाऊं और आते ही साथ मतलब है कि चौका ढूंढूं जहां पे बाउंड्री ऑप्शन है या फिर स्ट्राइक रोटेट करूं, डॉट बॉल कम से कम करूं। तो लकीली जब मैं आई तो वो ओवर काफ़ी हमने बड़ा ले लिया, तो जिसकी वजह से थोड़ा प्रेशर हम पे कम हुआ आखिरी 4 ओवर में। और उस 4 ओवर में हम दोनों की कॉन्वर्जेशन यही चल रही थी कि जितना हम लोग बॉल और रन का जो गैप है वो कम करें वो अच्छा होगा, ताकि आखिरी ओवर में जो चेस करें हम वो कम से कम टारगेट हो। तो काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप रही और काफ़ी यादगार पार्टनरशिप रहेगी आली के साथ। आली तो काफ़ी हम लोग की कैलकुलेशन अच्छी चल रही थी, फिर आप जब मैं रन आउट हुई तो आपकी क्या उस टाइम थिंकिंग थी और आप क्या सोच रही थी कि मैं किस तरह मैच फिनिश करूँ? नहीं बिल्कुल, जिस टाइम मुनीवा आपके साथ पार्टनरशिप हो रही थी तो मेरे माइंड में यही था कि हम लोग अच्छा कैलकुलेट करके चल रहे थे और आप भी उस तरफ से स्ट्राइक रोटेट कर रही थी, मैं मेरी भी हो रही थी, तो ये था कि हम लोग बोर्ड को देख रहे थे उस टाइम पे और इतना बॉल्स का और रन्स का डिफरेंस नहीं था, जिसकी वजह से वो हम लोगों की कैलकुलेशन की वजह से जो है वो एंड तक जो है वो मुझे यकीन था कि हम लोग ये आज मैच ले जाएंगे। तो जहाँ पर आप आउट हुई वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर आया था, बट मुझे फिर भी यकीन था कि बॉल्स और स्कोर इतना डिफरेंस नहीं था और मेरी आई भी सेट थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो कोशिश की थी कि आज मैच जितवा के जाऊँ, फिनिश करके जाऊँ, तो यही मेरे अंदर एक चीज़ थी कि आज मैच फिनिश करके जाना है, जीत के जाना है, तो वो अल्लाह ने कामयाबी दी। मुनीबा, अब जिस तरह से हमने पहला बड़ा मैच जीता है साउथ अफ्रीका से, तो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट मैच हम जीतेंगे और ये सीरीज़ विन करेंगे? बिल्कुल, हमारी यही कोशिश होगी कि जो नेक्स्ट मैच में भी है उसमें प्लानिंग के साथ आएँ और जो आज हमने खेला है, जो कंडीशंस हमें पता चली हैं, उस हिसाब से प्लान करें और वो मैच भी जीतें। और आई थिंक काफ़ी अच्छा होगा कि अगर हम सीरीज़ अच्छे तरीके से इनके साथ जीतें, क्योंकि साउथ अफ्रीका लास्ट वर्ल्ड कप में फाइनलिस्ट रही है और काफ़ी अच्छी टीम है, तो एक मोरल बूस्टिंग हमारी टीम के लिए भी होगी। तो आली, आज हम काफ़ी अच्छा मैच जीते हैं और आपकी क्या फैंस को मैसेज देंगी कि वो नेक्स्ट मैच के लिए क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी आप उनसे? बस मैं यही कहूंगी कि इसी तरह से जिस तरह से आज फैंस आए थे और सपोर्ट कर रहे थे, तो मैं यही कहूंगी कि वो नेक्स्ट मैच में भी आएँ, इसी तरह से हमें सपोर्ट करें, उनकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत है और इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह से अच्छा खेल के अपने मुल्क को मैचेस जितवाएंगे।